ईश्वर। ईश्वर का दूसरा नाम है माँ। मेरा अभिमान, मेरा स्वाभिमान है माँ। आज भी गूंजती है तेरी लोरियों की आवाज कानों में, तेरे कदमों में बसता है स्वर्ग, ऐसा सुना था पुराणों में। माँ तेरे पदचिन्हों पर चलते चलते हो गई हूँ बड़ी, पर आज भी जब डगमगाते हैं कदम, सामने दिखती है तू खड़ी। कहती है उठ, संभल, कोशिश कर, हौसला रख, बन निडर, चल अपने कदमों पर। उठ खड़ी हो जा, देख दूर निगाहों से, बंद कर आंखें, भर ले खुद को आत्मविश्वास से। बंद कर आंखें, भर ले खुद को आत्मविश्वास से। चुपके से कहती है तेरा दृढ़ साहस लाएगा तेरी मंजिल पास, और ऐसे भरकर मुझ में आत्मविश्वास जगा देती है आस। और फिर हो जाती है ओझल निगाहों से, शून्य में मेरी निगाहें ढूंढती हैं जब उसको। फिर वो कहती है चुपके से, कहाँ ढूंढ रही है मुझको, मैं तो हूँ तेरे दिल के पास। उसका यूं छूकर जाना जता जाता है मुझे, माँ वो है जो जगा देती है निराशा में भी आस। रहती है हमेशा हमारे दिल के पास, मैं कहीं भी जाऊं तू रहना हमेशा मेरे पास। मैं कहीं भी जाऊं माँ, रहना तू हमेशा मेरे दिल के पास। तेरे स्नेह से ही बुझती है मेरे विचलित मन की प्यास। माँ तू है बहुत खास, माँ तू है सबसे ज्यादा। माँ ये शब्द बड़ा अनमोल है। माँ वो है जो हमें जन्म देती है, यही कारण है कि संसार में हर जीवनदायिनी वस्तु को माँ की संज्ञा दी गई है। यदि हमारे जीवन के शुरुआती समय में कोई हमारे सुख दुख में हमारा साथी होता है तो वो हमारी माँ ही होती है। माँ हमें कभी इस बात का एहसास नहीं होने देती कि संकट की घड़ी में हम अकेले। माँ के इसी त्याग और संघर्ष को दर्शाते हुए प्रस्तुत है हमारा ये नाटक। थैंक यू माँ। अरे बहू, भगवान को भोग नहीं लगा अब तक? जरा पहले प्रसाद तैयार कर दे, फिर मैं पूजा कर लूंगी। माँ जी, भगवान का भोग तो मैंने मंदिर के पास ही रखा है, देखिए ना जरा, बस किनारे पे ही है। अरे मिल गया मिल गया। अरे 7 बजने को आए, ये बच्चे अभी तो गुटे के नहीं। समीर, अंजलि, देखो तो 7 बज गए हैं, उठे नहीं अभी तक। मुझे ही उठाना पड़ेगा।
समीर 7 बज गए हैं, उठा नहीं अभी तक, उठो। अरे मम्मा बस 5 मिनट और सोने दो। समीर सोने दो ना। अरे स्कूल बस कभी भी आती होगी, जल्दी से उठो, तैयार हो जाओ फटाफट। अरे मम्मा कपड़े कहाँ है मेरे? कौन से कपड़े? अरे स्कूल यूनिफॉर्म। वही देखो। वही कहाँ? आप एक भी चीज ढंग की जगह पे क्यों नहीं रखते हो? वो देखो लेफ्ट साइड की अलमारी में, मैंने पहले ही संभाल के रख दिए थे। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया। अरे इस दुकान को भी अभी आना था। बहू, ओ बहू, अरे कहाँ रह गई? यहाँ हमने आधा अखबार भी पढ़ लिया और चाय नहीं आई अभी तक हमारी। बहू जरा देखियो। पापा जी बस एक मिनट में लाई। लीजिए पापा जी आपकी चाय और ये दवाई जो आपको चाय से पहले लेनी है। जीती रहे बेटा, जीती रहे। भले मैं अपनी दवाई लेना भूल जाऊं पर तू कभी नहीं भूलती। जीती रहे बेटा, जीती रहे। अरे पापा जी ये तो मेरा फर्ज है। चलिए आप चाय पीजिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। अरे ज्योति, लैपटॉप का चार्जर देखा है मेरा? मिल नहीं रहा है यार, कहाँ है? अरे वही रखा है टेबल के ऊपर बुक्स के साइड में। यार नहीं मिल रहा है, ढूंढ चुका हूँ, नहीं मिल रहा है कहीं। ये रखा है लैपटॉप का चार्जर। सामने रखना चाहिए ना यार सामान। यार इसके बुक्स के बगल में कौन रखता है चार्जर को?
लेट हो रहा हूँ। मम्मा मम्मा मेरी साइंस की नोटबुक कहाँ है? कल ही तो रखी थी ऊपर करके। मैंने तो यही रखी थी, आपने ही कहीं और रखती होगी। मैंने तेरे फेवरेट आलू के पराठे बनाए हैं। वाओ, आलू के पराठे? मम्मा क्या आपने आज फिर से आलू के पराठे बना दिए? बेटा आज खा लो, कल तुम्हारे फेवरेट सैंडविचेस बना दूंगी। मुझे नहीं खाने आपके आलू के पराठे, मैं जा रही हूँ। पहले ब्रेकफास्ट करो फिर जाओगी। नहीं मॉम, आई एम गोइंग। अंजलि नो। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का। अच्छा सुनो, मैंने लंच रखा है तुम्हारे स्कूल बैग में, टाइम से कर लेना। चलो आप लोग से नाश्ता करो। अच्छा मम्मा, नाउ आई एम गोइंग, बाय। चलो मैं भी चलता हूँ। ओके आइए पापा जी, मम्मी जी, मैं आपका भी नाश्ता लगा देती हूँ। बहू, ओ बहू, जरा देखियो तो कौन सी दवाई लेनी है इनमें से, समझ ही नहीं आ रहा है, इतनी सारी दवाई है। बहू देखियो जरा। माँ जी मैं अभी आई। लीजिए आपकी दवाई, मैं पानी लेकर आती हूँ। क्या बेटा? मॉम आई हैव कम होम। चल बेटा जल्दी से कपड़े बदल के हाथ मुंह धो ले, आज मैंने तेरे फेवरेट पास्ता बनाया है। वाओ पास्ता। पास्ता। अंजलि बहुत देर हो गई तुम टीवी देख रही हो, और ये क्या फेसबुक चलाती रहती हो? चलो अपना होमवर्क करो। मॉम फेसबुक इज अ डिजिटल वर्ल्ड फुल ऑफ फन, पर आप रहने दो, आपकी समझ नहीं आएगा। मैं जा रही हूँ नेहा के घर होमवर्क करने के लिए। क्यों, नेहा के घर क्यों जाना है होमवर्क करने?
मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। मॉम होमवर्क इंग्लिश का है, आप मुझे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाओगी। अंजलि मैंने माना मेरी इंग्लिश थोड़ी खराब है, पर मैं तुम्हारी मदद तो कर सकती हूँ, कोशिश तो कर सकती हूँ। रहने दो मम्मा, पूरी कोशिश में पूरी रात बीत जाएगी, आप रहने दो। और मैं नेहा के घर होमवर्क करने के लिए जा रही हूँ, कम से कम उसकी मॉम को इंग्लिश तो आती है। बाय। अरे मम्मा, आप इतना फोन में दहल लगाकर क्या कर रहे हो? वो फेसबुक चलाने की कोशिश कर रही हूँ, अंजलि कुछ बता रही थी ना, तो मैंने सोचा मैं भी देखूं जरा। मम्मा आप और फेसबुक, कम ऑन मॉम, ये आपके बस की बात नहीं। तो देखा आपने कि किस तरह ज्योति अपनी जिम्मेदारियों, यानी कि एक माँ, एक पत्नी और एक बहू होने का बिना किसी शिकायत और बिना किसी सवाल के पूरी तरह से पालन करती है, पूरे परिवार को संभालती है। इन सभी जिम्मेदारियों के बीच उसके पास क्या खुद के लिए कोई समय बचता है? क्या कोई उसके इस गुण का सम्मान करता है? शायद नहीं। तो अब ज्योति घर के लगभग सभी काम करने के बाद अपने लिए चाय बनाकर लाती है। बैठकर जैसे ही पहली सिप लेती है कि मोबाइल की रिंग बजने लगती है। ज्योति उठकर मोबाइल उठाती है। आगे क्या होता है, आइए देखते हैं हमारे इस नाटक की अगली कड़ी में। बोलो ज्योति। आज शाम में ना मेरे कुछ ऑफिस के फ्रेंड्स आ रहे, प्लीज डिनर प्रिपेयर कर देना। हाँ डिनर। रवि आज क्यों? अरे आज क्यों का क्या मतलब है, मेरे दोस्त हैं, मेरा घर है, जब मैं चाहूंगा तब आएंगे, जब मेरी मर्जी होगी मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे हर बार इतनी देर से क्यों बताते हो, इतनी तैयारियां करनी होती हैं। Oh come on Jyoti, I know you can easily manage it. रवि और भी बहुत सारे काम है मेरे पास। अच्छा तो ये बहुत सारे काम कौन से हैं? मुझे बता जरा। रहने दो रवि। Oh come on Jyoti, क्या काम है, आज दिन भर तो घर पे रहती हो, हमारी तरह ऑफिस छोड़ना चाहती हो, सोसाइटी में 10 लोगों से डील थोड़ा करना पड़ता है तुम्हें, मीटिंग्स थोड़ा अटेंड करनी पड़ती है, बॉस को आंसर थोड़ा करना पड़ता है, टारगेट्स थोड़ा पूरे करने पड़ते हैं, बहुत सारे काम, इसे कहते हैं काम। नहीं ठीक है रवि, मैं घर पे करती क्या हूँ, काम तो तुम करते हो। तो बताओ ना क्या काम है। मैंने तो रवि तुम नहीं समझोगे। अच्छा किस समय आ रहे हैं तुम्हारे दोस्त? ये हो ना बात, शाम को 8 बजे खाना तैयार रखना। जिंदगी के क्या मायने हैं, क्यों मिलती है हमें जिंदगी,
या सुबह से लेकर शाम तक घर में काम करना, सबकी जरूरतों का पूरा करना ही जिंदगी है। और फिर अंत में ये सुनना कि मैं घर पर करती ही क्या हूँ, जैसे मेरी कोई अपनी पहचान ही ना हो। अरे ज्योति, बात क्या है, मुझे बताओ। कुछ नहीं अपर्णा, जाने दो। मुझे तुम्हारी परेशानी पता है ज्योति, तुम्हारे दो बच्चे हैं जिनसे तुम्हें बहुत उम्मीद है, लेकिन वो तुम्हारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। उतरेंगे भी कैसे, आज के बच्चे जो हैं पूरी एक जनरेशन का गैप है। लेकिन ये न्यू जनरेशन के बच्चे ये भूल जाते हैं कि कितना त्याग, कितनी तपस्या करते हैं हम लोग उन्हें पढ़ाने लिखाने और उनकी परवरिश करने में। नहीं अपर्णा, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है ज्योति? वो रवि। हाँ रवि, उन्हें तो लगता है कि तुम दिन भर घर पे आराम करती हो। मैं एक समाज से भी होने के साथ साथ एक औरत और एक माँ भी हूँ। तो अब तुम्हें बताओ करना, मैं करूँ तो क्या करूँ? एक और मेरा पूरी परिवार है जिसकी जरूरतों को पूरा करना मेरा फर्ज है, और दूसरी और मेरे पापा जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। मैं करूँ तो क्या करूँ? पापा अस्पताल में भर्ती है? उन्हें अटैक आया था। वो अस्पताल में है और तुम अब भी सोच रही हो कि क्या करूँ? पापा जी, माँ जी और रवि का ध्यान कौन रखेगा? बच्चों को सुबह ब्रेकफास्ट कौन बना कर देगा? रवि भी तो ऑफिस जाते हैं ना, उनका ध्यान कौन रखेगा? पापा जी को टाइम से दवाइयाँ कौन देगा? और माँ जी, उनके पैर में तो अक्सर दर्द रहता है ना पढ़ना। बात बताओ, तुम इतनी डिवोटेड हो अपनी फैमिली के लिए, क्या इन्हें इस बात का जरा भी एहसास है? क्या इन्होंने कभी भी तुमसे पूछा कि तुम ठीक हो या नहीं, तुमने खाना खाया या नहीं? चलो आज तुम आराम करो, हम खाना बनाएंगे या कुछ भी हो। बताओ ज्योति, कभी ऐसा हुआ? एहसास तो शायद नहीं कभी हुआ। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं घर में कितना काम करूँ, ये मेरा फर्ज है और ये मैं मरते दम तक करूँगी। बस मुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट चाहिए अपने बच्चों से, अपने पति से और घर के बड़ों से। ये एहसास तो इन्हें कभी भी ना हो। एक बात याद रखो ज्योति, तुम एक पत्नी, बहू और माँ होने के साथ साथ एक बेटी भी हो। और आज जब तुम्हारे पापा हॉस्पिटल के बेड में पड़े हैं, तो तुम्हें एक बेटी होने का फर्ज भी निभाना होगा। और हो सकता है तुम्हारी एब्सेंस में तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को भी तुम्हारी वैल्यू का कुछ एहसास हो जाए। ठीक है तो मैं चलती हूँ, बस इतना ही कहना चाहूंगी, ये तुम्हारी जिंदगी है, अब तुम्हें ये फैसला लेना है कि ये खूबसूरत होगी या बोझ से भरी होगी। गुड बाय। आज बहुत काम था। क्या हुआ, क्या बात है, तुम बहुत परेशान है? आज माँ का फोन आया था, पापा की तबीयत बहुत खराब है। क्या पापा बीमार है? अरे यार तो क्या हुआ, तुम्हारी माँ है तो यार वहाँ पे, और तो ख्याल रख लेंगी। फिर तुम्हारा भाई भी तो है प्रकाश। एक काम करो, पहले तो मेरे कुछ खाने को ले आओ यार, बहुत भूख लगी है मुझे, ऑफिस का बहुत सारा काम भी है, प्लीज खाने को ले आओ। मगर मैं सोच रही थी कि अरे यार ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो, एक काम करो, मेरे कॉफी ड्रिंक ले आओ, मुझे बहुत काम है।
जल्दी बनाना कॉफी। अच्छा लाती हूँ अभी। मैं सोच रही थी कि पापा से मिलाती हूँ, उन्हें भी अच्छा लगेगा और मेरा मन भी परेशान नहीं रहेगा। रे बहू, परसों से बच्चों की परीक्षा भी तो शुरू हो रही है और घर के जो बाकी काम है वो कौन करेगा? मुझ बुढ़िया से तो ना होता, मेरे तो पैरों में दर्द होता। हे भगवान। हाँ मम्मी, डोंट वरी, नानू ठीक हो जाएंगे। और आप जाकर क्या करोगे? हाँ यार मम्मा, आप क्या करोगे जाकर? और आप चले गए तो मुझे कौन उठाएगा फिर सुबह? आप मत जाओ। शांति ठीक ही तो कह रही है, घर के काम काज में तेरी सारी टेंशन चली जाएगी और हमारा ध्यान भी तो तू ही रखती है बेटा। और अगर तू चली गई तो फिर अब हमारा क्या होगा? तुम तो समझाओ, पापा को मेरी जरूरत है। अगर मैं यहाँ रही तो मेरा मन भी उदास रहेगा। मुझे अकेले मैनेज करने की आदत है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर लेना। बच्चों खाना टाइम से खाना। माँ जी आप ज्यादा देर खड़े मत रहना, आपके पैरों में दर्द होता है। पापा जी आप अपनी दवाइयाँ टाइम से लेना। रवि आपकी शर्ट हैंकी और बाकी सारा सामान मैंने अलमारी में रखा है, देख लेना। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल जरूर करना, ठीक है? और ये बात सुन लो, दूध वाले से कहना ज्यादा पानी ना मिलाए दूध में, ठीक है? यार अच्छा जाओ भी अब। ए भगवान, कितनी चिंता है यार से, घर वालों की काम की। जाओ। ज्योति के समर्पण का परिवारजनों के निगाहों में कोई मूल्य नहीं था। उन्हें ज्योति का कोई काम दिखाई ही नहीं देता था। पर वो कहते हैं ना कि व्यक्ति की असली कीमत उसके दूर होने के बाद ही पता चलती है। क्या अब ज्योति के परिवार को उसकी अनुपस्थिति का एहसास होगा? क्या ज्योति के गुणों का सम्मान होगा, वह सम्मान जिसकी वो हमेशा से हकदार थी? क्या वो सम्मान उसे मिलेगा? आइए देखते हैं इस नाटक की इस अंतिम कड़ी में। दादी ये क्या बनाया आपने नाश्ते में? रोटी और सब्जी, ये कौन खाता है ब्रेकफास्ट में? जो बने चुपचाप खा ले, अपनी माँ को दिखाना ये नखरे। अगर आज मम्मा होती तो मेरी फेवरेट सैंडविचेस बनाती। आज तो लेट हो गया, आज तो मैं पक्का मुर्गा बनाएंगी। मम्मा होती थी रोज सुबह उठा देती थी, वैसे उन्हें कौन उठाता होगा? उनका तो रोज सुबह उठने का मन भी नहीं करता हो, तब भी उन्हें उठना पड़ता होगा। ओह गॉड मम्मा, आई मिस यू सो मच। अरे ज्योति मेरी फाइल देखी है? ज्योति तो है ही नहीं घर में, बोले ढूंढने पड़ेगी। ए यार ज्योति बोलती हो, सब कुछ कितना ऑर्गेनाइज रहता था। यहाँ एक फाइल मैं ढूंढने पा रहा हूँ, एक फाइल ढूंढने पूरा घर अस्त व्यस्त हो रहा है, पूरा डिसऑर्गेनाइज हो रहा है। शांति शांति मेरा चश्मा कहाँ है? वही तो रखे सर पे। वैसे कितने समय बाद अपना नाम इस घर में गूंजते हुए सुना मैंने आज। वैसे तो सब ज्योति ज्योति करते रहते हैं, वो बेचारी कभी किसी काम के लिए मना नहीं करा उसने,
और ना कभी वो गुस्सा करती है। बस बेचारी कैसे घर की जिम्मेदारियों में आराम करना भूल गई। ऐसा ही होता है एक माँ का जीवन, अपने जीने के लिए समय ही नहीं होता। अरे आपसे बातें बातों में तो मैं भूल ही गई कि बच्चों का खाना भी बनाना है, समय हो गया उनके आने का। आज तो बहुत भूख लगी है दादी। दादी मुझे भी बहुत भूख लगी है दादी, खाना दे दो दादी, भूख लगी है। 20 मिनट रुक जाओ बच्चों, तब तक थोड़ा खेल लो। ओह नो, मम्मी तो कभी लेट नहीं करती है दादी, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। मम्मा कितना ख्याल रखती है सबका, रोज घर आके खाना मिलता था टाइम पे और वो भी मजेदार। आज उनकी एब्सेंस में घर घर नहीं लग रहा। ज्योति बेटा आज हमें एहसास हो रहा है कि तुम कितनी थक जाती होगी काम करते। यार हमें लगता है मॉम के लिए कितनी इजी है, बट शी इज जस्ट लाइक अ सुपर मॉम यार, निंजा मॉम। हो गया? हाँ, ठीक है, ओके ओके। अरे मम्मी, ज्योति से बात हुई है, वहां सब सही है उसके यहाँ, वो आने वाली हो, कल आ रही है यार, घर पे आ रही हो वापस। सच बेटा, अजी सुनते हो हमारी ज्योति कल आ रही है। चलो अच्छा हुआ, ज्योति के साथ वैसे घर की खोई हुई रौनक भी वापस आ जाएगी। अरे मम्मी जी आ गई तू, जीती रहे। तेरे पिताजी कैसे हैं अब? पिताजी ठीक है, डॉक्टर ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है। मम्मा मम्मा, आई मिस्ड यू टू मच, थैंक गॉड आप आ गई। सॉरी ज्योति, मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि तुम सबके लिए, मेरे लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, अंजलि के लिए, समीर के लिए, हम सबके लिए कितना कुछ इतनी सैक्रिफाइस देती हो। कभी मैं तुम्हारे बेन को बचाए, आई एम रियली सॉरी ज्योति, सॉरी। मम्मा मैं आज आपके लिए चाय बनाती हूँ, आप सबको क्या हो गया है? अरे मम्मा सब क्या के खुल गई है, क्यों? क्योंकि सब क्या को की ज्योति जो लौट आई है। देखा कि अंत में ज्योति को उसकी निस्वार्थ सेवा का उचित सम्मान मिला। दोस्तों अगर अपनी पूरी जिंदगी माँ के चरणों में समर्पित कर दिया जाए तो भी उसके ऋण से उत्तीर्ण नहीं हुआ जा सकता। समुच्चय धरती पर बस यही माँ का एक रिश्ता है जिसमें कोई छल कोई कपट नहीं होता। तो आइए आज मातृ दिवस पर माँ की गौरव गरिमा को नमन करते हुए संकल्प लें कि हम उनके समर्पण को समझेंगे। मातृ दिवस पर हर माँ को समस्त भारतीय परिवार की ओर से उनके अनमोल मातृत्व की ढेरों शुभकामनाएं।